पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहीद दिवस के अवसर पर परी फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब छोटे बच्चों को इस दिन की महत्वता के बारे में समझाया गया और जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें कॉपी, पेंसिल, पेन आदि वितरित किए गए और उन्हें अल्पाहार कराया गया। कार्यक्रम की कार्यवाहक अध्यक्षा विनीता मल्होत्रा ने बच्चों को ये जानकारी दी कि 13 अप्रैल क्यों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन किस तरह से जलियांवाला बाग में नरसंहार किया गया था और निहत्ते मासूम लोगों पर त्योहार मनाते हुए गोलियों से हमला कर दिया गया था, जिससे सभी लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी। इस दौरान एनजीओ की उपाध्यक्षा डॉक्टर रूपा घोष ने ये जानकारी दी कि किस तरह कार्यक्रम हमेशा एनजीओ द्वारा किए जाएंगे और समाज में सेवा का कार्य होता रहेगा। एनजीओ की मंत्री एकता जैन ने जानकारी दी कि एनजीओ हमेशा जियो और जीने दो के सिद्धांत पर कार्य करेगी। इस कार्यक्रम में रचना अग्रवाल, रंजना शर्मा, क्षमा अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, डॉक्टर महजबी परवीन आदि शामिल रही। आज परी फाउंडेशन के हम सब सदस्यों ने मिलकर शहीदी दिवस मनाया है। यहाँ पे हम बच्चों के साथ हम लोगों ने उनको जानकारी दी क्या शहीद दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है, और उन्हें हमें स्टेशनरी बांटकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया, क्योंकि हमारा देश का उज्जवल भविष्य ये बच्चे ही हैं। अगर ये शिक्षित होंगे तो हमारा देश भी प्रगति के रास्ते पर जाएगा। आज 13 तारीख को हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, परी फाउंडेशन के सारे सदस्य। 13 तारीख को एक बहुत ही भयावह नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग कांड, जो कि हमारे इतिहास में काले दिवस के रूप में है। हमारे जो भविष्य है, हमारे बच्चे, हमारे कर्णधार, उन्हें हमारा ये एक काला दिवस, ये भयावह रात, ये इन्हें पता होना चाहिए, जो कि इन चीज़ों से अनभिज्ञ रखे जाते हैं। इन्हें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी फाउंडेशन की तरफ से, कि इन्हें ये इन चीज़ों की जानकारी मिले कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जलियांवाला बाग कांड में, क्यों मनाया जाता है ये जलियांवाला बाग कांड एक काले दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में, क्या ऐसा उस दिन हुआ था जो कि बहुत ही भयानक था, जो ऐसा नरसंहार जिसमें करीब 300 लोग, मासूम लोग एक साथ मार दिए गए थे। हमारे फाउंडेशन के सभी सदस्याएं यहाँ इकट्ठा हैं और आज इन बच्चों के साथ हम ये शहीद दिवस मना रहे हैं। इन्हें किताब, पेन, स्टेशनरी के सामान भेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ेंगे तभी हमारा भविष्य बहुत ही खूबसूरत तरीके से, सुदृढ़ तरीके से बनेगा और हमारा देश एक सक्षम देश बनेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।